नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। कर्नाटक में बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। बेंगलुरु में अपने घर पर उन्होंने आखिरी सांस ली। अनंत कुमार के निधन के बाद से पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के सभी नेता काफी दुखी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बीजेपी के दिग्गज नेता अनंत कुमार को श्रद्धांजलि देने बेंगलुरु पहुंचे। वह वहां अनंत कुमार के परिवार से भी मुलाकात की, साथ ही बेंगलुरु में उनके अंतिम संस्कार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वह इस दौरान वाराणसी में करीब 2500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे, साथ ही गंगा की सफाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ में सोमवार को पहले चरण के लिए शुरू हुई वोटिंग के पहले ही नक्सलियों ने हमला किया है। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के कातिल कल्याण ब्लॉक के तुमक कपाल कैंप के पास आईडी से ब्लास्ट किया है। हालांकि इस ब्लास्ट में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। सीबीआई के टॉप अफसरों के बीच चल रही जंग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सामने छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की पेशी हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले से पुलिस बर्बरता की एक तस्वीर सामने आई है, जहां टीवी चोरी की शिकायत दर्ज कराने गए कुछ लोगों को पुलिस ने जमकर पीटा। मामला मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस के आला अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पहले दौर के मतदान के ठीक पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और जोरदार झटका लगा है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष घनाराम साहू ने इस्तीफा दे दिया और अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सोमवार को अमित शाह की मौजूदगी में घनाराम साहू बीजेपी में शामिल होंगे। अगले साल यानी 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दल एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश में जुटे तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का विपक्षी नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22 नवंबर को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए अहम माना जा रहा है। श्रीलंका की संसद के स्पीकर ने रविवार को राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना पर सांसदों की शक्तियां छीनने का आरोप लगाया और जनसेवकों से उनके अवैध आदेशों का पालन नहीं करने का आह्वान किया। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के 100 साल पूरे होने पर पेरिस के ऐतिहासिक आर्क दे ट्रायो में रविवार को आयोजित भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, डोनाल्ड ट्रंप समेत विश्व के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान जब डोनाल्ड ट्रंप का काफिला आ रहा था तो एक टॉपलेस प्रदर्शनकारी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर ट्रंप के नजदीक आने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उस प्रदर्शनकारी को वहां से हटाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए EMS TV के साथ। नमस्कार। गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशीर्वाद यात्राओं में खर्च हो जाता है, जब जनता के स्वास्थ्य का पैसा बड़े बड़े आयोजनों में उड़ जाता है, और ये गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है, जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है। मैं मध्य प्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।